शिक्षक भर्ती में नया बदलाव देखने को मिला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीएड व डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि प्राथमिक स्तर जो है उसमें जो प्राथमिक के शिक्षक बनेंगे उनकी नियुक्ति परीक्षा में मातृभाषा में 30% अंक लाना जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें साफ बताया गया है कि 30% अंक आपको क्षेत्रीय या आपकी मातृभाषा में लाना अनिवार्य है। नियमावली में कुछ चीज़ें बदली गई हैं, जिसमें आप लोग और देख पा रहे होंगे कि कक्षा 6 से 8 में विभिन्न विषयों में परीक्षा का जो प्रारूप है वो बदला गया है। दोस्तों, जो शिक्षक भर्ती अब होगी उसमें 30% अंक अनिवार्य कर दिया गया है। ये 30% अंक के लिए मैट्रिकुलेशन का मानक रखा गया है। मैट्रिकुलेशन में अगर आपकी मातृभाषा शामिल नहीं है तो आपको एक और परीक्षा देनी हो सकती है। यानी ये जो मैट्रिकुलेशन का मतलब हो गया है, कक्षा 10वीं के जो छात्र हैं जो इस बारे में काफ़ी संशय में थे कि जो मातृभाषा है उसमें कितने प्रतिशत अंक हैं, तो ये नया बदलाव देखने को मिल रहा है कि जो बीएड हो या आपका डीएलएड हो उन अभ्यर्थियों के लिए मातृभाषा के जो 30% अंक हैं उनको भी शामिल कर लिया गया है। अगर आप लोग मातृभाषा में 30% अंक लेकर नहीं आए तो आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे, ये इसमें बताया गया है। और ये इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि जो शिक्षक हैं उनमें 50% पदों को आरक्षित किया जाएगा। 50% पद ऐसे पद होंगे जिनमें शिक्षकों के लिए क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि उनमें अगर आरक्षण में वो लोग शामिल होंगे जो जनजातीय क्षेत्र से आते होंगे। यानी कि अब आप लोगों को जो शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी उसमें मातृभाषा को शामिल किया जाएगा, और ये मातृभाषा जो होगी वो 30% अंक की होगी। ये मानिएगा 100 में से 30 अंक आपको मातृभाषा में भी लाने होंगे। यानी कि ये जो मातृभाषा का पेंच है, ये है क्या आखिरकार, ये मातृभाषा का पेंच आपके मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की परीक्षा में मातृभाषा का होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो आपको एक परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन ये कहाँ की खबर है दोस्तों? ये खबर जो आपको दिख रही है, ये खबर झारखंड राज्य के जो शिक्षक पात्रता शिक्षक भर्ती है वहाँ के लिए है। यानी झारखंड राज्य में जो शिक्षक बनने की सोच रहे हैं उनको मातृभाषा में 30% अंक लाना अनिवार्य है। दोस्तों, इसके साथ ही जल्द ही हर जगह नई नई नियमावली आपको देखने को मिल सकते हैं। शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक नहीं किया तो कीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल को अभी जाके वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी से। तब तक के लिए जय।